इंस्टाग्राम आईडी को लॉगआउट करके इंस्टाग्राम ऐप से ही कम्प्लीटली डिलीट कैसे करना है, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप आपके आईडी को आपके दोस्त या किसी दूसरे बंदे के मोबाइल फ़ोन पे लॉगिन करके चला रहे हो, लेकिन चलाने के बाद ऐसा ज़रूरी हो जाता है आपको लॉगआउट करना होगा, और लॉगआउट कर लेने के बाद उस आईडी को उस फ़ोन से ही कैसे रिमूव करना है, आज की इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप कम्प्लीटली लॉगआउट नहीं करोगे तो आपके दोस्त या आप जिसके फ़ोन पे लॉगिन करके चला रहे हो ना, तो वो बंदा आपके आईडी में घुसकर सारे मैसेजेस, आप किसके साथ क्या चैटिंग कर रहे हो, सब कुछ देख सकते हैं। ये बहुत ही गलत हो जाएगा, इसीलिए उस आईडी को कम्प्लीटली रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको करना क्या होगा, कम्प्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। तो मैं नॉर्मली इस इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने नीचे कुछ इस टाइप का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा तीर मार्क देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों, इस इंस्टाग्राम पे जितने सारे अकाउंट लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर दो ही अकाउंट शो कर रहा है, लेकिन अभी ये वाला आईडी से लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों टिक मार्क किया हुआ है। ओके ना, तो अभी आपको करना क्या होगा, अभी यहाँ से मैं एक बार बैक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों थ्री लाइन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर जस्ट थ्री लाइन वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाला सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद सबसे नीचे आपको चला जाना है। नीचे जैसे ही चला जाओगे तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लॉगआउट बपुन श्री, क्योंकि इसी अकाउंट पर टिक मार्क किया हुआ था। अभी मैं आप लोग को एक बार बैक करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बपुन श्री देखने को मिल रहा है, तो अभी मैं फिर से यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी मैं इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नॉर्मल यहाँ पर एक बार प्रेस करूँगा, यहाँ पर जैसे ही प्रेस करूँगा करंट टेक्निक पे, तो देखिए दोस्तों ये अकाउंट करंट टेक्निक से लॉग इन हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर थ्री लाइन वाला सेक्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाला सेक्शन पर जैसे ही आ जाऊँगा उसके बाद सबसे नीचे जाऊँगा तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लॉगआउट करंट टेक्निक, मतलब आप जिस अकाउंट को लॉगआउट करना चाहते हो सबसे पहले उस अकाउंट से सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अभी यहाँ पर वही अकाउंट शो कर रहा है, लेकिन अगर आपका नहीं शो कर रहा तो आपको यहाँ पर लॉगआउट और अकाउंट वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको बाकी प्रोसेस करना है। लेकिन मुझे पर्टिकुलर यही अकाउंट को लॉगआउट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला लाइन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सेव वाला बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नॉट नाउ वाला देखने को मिल रहा है। तो मैं तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव करके नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर नॉट नाउ वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करूँगा। यहाँ पर नॉट नाउ वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों लॉगआउट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लॉगआउट वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करूँगा। यहाँ पर लॉगआउट वाला सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला अकाउंट लॉगआउट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉगआउट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर ये वाला आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी मेरा यहाँ पर एक ही आईडी शो कर रहा है, लेकिन रुको रुको, वो वाला अकाउंट तो मैंने लॉगआउट कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी इस एप्लीकेशन के अंदर वो वाला आईडी मेरा शो कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कहाँ पर शो कर रहा है, सब कुछ डिटेल में पता चलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले फिर से थ्री लाइन वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करूँगा। यहाँ पर थ्री लाइन वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद सबसे नीचे जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगआउट ऑल अकाउंट्स वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक करके आप लोगों को चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक कर दिया उसके बाद यहाँ पर लॉगआउट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लॉगआउट वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो लॉगआउट हो जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉगआउट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों अकाउंट अभी भी शो कर रहा है। तो मुझे इस अकाउंट को परमानेंटली रिमूव करना है, इसलिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर दोनों अकाउंट शो कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए वाला भी शो कर रहा है, यहाँ पर ए वाला भी शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ए वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि इसको रिमूव करना है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर दूंगा उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिमूव प्रोफाइल वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर रिमूव प्रोफाइल वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिमूव प्रोफाइल वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर रिमूव वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर रिमूव वाला सेक्शन पर क्लिक कर दूँगा उसके बाद यहाँ से मेरा आईडी परमानेंटली रिमूव हो चुका है। अभी यहाँ पर प्रोफाइल भी शो नहीं करेगा। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आपके अकाउंट को लॉगआउट करना है। एंड अगर आप परमानेंटली रिमूव करना चाहते हो तो मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप परमानेंटली रिमूव भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में पता चल चुका है कि कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली लॉगआउट करना है एंड रिमूव करना है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करके जाना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।